भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो दो सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, और एक और खबर है पिंडवाड़ा आबू से भाजपा प्रत्याशी समाराम गरसिया 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं, 13,166 मतों से, यानी ये तीसरी सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। आबू से पिंडवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी समाराम गरसिया 13,166 वोटों से जीत चुके हैं, और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा में 3,923 मतों से पीछे चल रहे हैं। खाजूवाला में कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान मंत्री गोविंद राम मेघवाल 12,000 से वोटों से पीछे चल रहे हैं, और चित्तौड़ में भाजपा के नरपत सिंह राजवी 12,800 मतों से पीछे हैं। झोटवाड़ा सीट से ये लड़ते थे चुनाव, लेकिन इनकी सीट बदली गई। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आकिया बनाए हुए हैं बढ़त, और बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान मंत्री बीडी कल्ला 4,730 मतों से पीछे हैं। कोटपुतली से कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान मंत्री राजेंद्र सिंह यादव 1,030 मतों से पीछे चल रहे हैं। टोंक से कांग्रेस नेता सचिन पायलट 14,635 वोटों से आगे, कांग्रेस के लिए राहत की खबर है ये। और लालसोट से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान मंत्री परसादी लाल मीणा भी पीछे चल रहे हैं। तारागढ़ से भाजपा के राजेंद्र राठौड़ 7,124 मतों से पीछे, भारतीय जनता पार्टी ने इनकी भी सीट बदली थी।